एक्सप्लोरिंग फॉर पीस ये चैनल पे आपका स्वागत है। आज 29 अप्रैल 2020। आज मेरे हिसाब से मैं वीडियो का बनाने के लिए, मेरा तो राइडिंग ब्लॉग्स चलता है, मोटो ब्लॉग्स चलता है, तो मैं ऐसी काफ़ी दिनों से कुछ रिसर्च कर रहा था, रिसर्च ही बोलूँगा मैं, क्योंकि मुझे लाइव स्ट्रीम करना था। एक सिनेरियो जब ये आया था, जब ये लॉकडाउन शुरू हो चुका था और हम लोग का चर्च में ईस्टर सर्विस चल रहा था, तो उसकी वजह से 1 वीक पूरा हम लोग का रफली चर्च में प्रोग्राम रहता है, तो वो हमें लाइव स्ट्रीम करना था। उस टाइम पर हम लोगों को पास कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं था, क्योंकि अचानक से कोविड-19 आया एंड लॉकडाउन डिक्लेयर हो गया, तो हम लोगों को कोई भी गैजेट्स कलेक्ट करने को या मार्केट्स ऐसा भी बंद था कि मार्केट से गैजेट खरीद के लेके आओ और उसको लाइव स्ट्रीम पे यूज़ करो, कुछ पॉसिबल नहीं था। तो इस दौरान मैं बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में मेरे को मालूम पड़ा, यार ये पॉसिबल नहीं है अपने लिए। अगर ये मुझे करना है तो वॉट आई वुड नीड इज़ अ कैप्चर कार्ड। अब कैप्चर कार्ड तो लॉकडाउन के पीरियड में मिलना मुश्किल है, तो बहुत ढूंढते मैंने फिर होप छोड़ दिया। फिर भी बहुत रिसर्च कर रहा था, यार ये गैजेट लो, ये गैजेट लेने से हो जाएगा, ठीक है। वो लाइव स्ट्रीम हम आखिर में मेरे फ्रेंड ने दूसरे वे से उसने करके शॉर्ट किया, लेकिन इन फ्यूचर अब ये कोविड-19 खाली एक सिनेरियो है जो वंस इन अ लाइफ टाइम आया, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे। अब पता नहीं है कि ये कितना दिन चलेगा। अब टाइम आया कि लोगों को मीटिंग्स भी ऑनलाइन चल रहा है, लोगों का ट्रेनिंग सेमिनार ऑनलाइन चल रहा है, बट ऐसा प्रोविजन भी आया कि देर इज़ नो ऑप्शन फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, देर इज़ नो ऑप्शन टू स्ट्रीम देयर वीडियो ऑन अ लाइव बेसिस इफ़ दे डोंट हैव अ कैप्चर कार्ड। यहाँ पे आता है ट्विस्ट। आज बहुत एक्साइटेड है मैं ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि आज जब भी मैं जस्ट ऐसे शाम के टाइम पे, अभी रात को करीब 11 o'clock हो चुका है, एंड हाँ आपको पीछे क्लॉक पे दिखाई देगा, इट्स अराउंड 11 o'clock, एंड मैं दे ऐसी 9:30 के रेंज में बैठा था, तो मेरे को क्रोम पे एक नोटिफिकेशन आया फ्रॉम कैनन स्टेटिंग नाउ वेब लाइव स्ट्रीम कैन बी डन यूजिंग योर कैनन DSLR मिररलेस कैमराज सो एंड सो बेटा वर्जन अवेलेबल। तब ये मैंने बहुत दिन पहले जब यूट्यूब पे सर्च किया तो मेरे को मिला कि कोई हैक है जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर था उसके ऊपर आप लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते थे, वो EOS यूटिलिटी ही था, लेकिन उसमें 720p का पिक्सल रेजोल्यूशन रेस्ट्रिक्शन था। तो अब वो रेजोल्यूशन रेस्ट्रिक्शन हट गया है, कैप्चर कार्ड का जरूरत नहीं है, ना आपको कोई भी एडिटिंग लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइसेस चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक बेसिक सा कैमरा, कैनन का होना चाहिए। आज के दिन में कैनन लेके आया, नो आइडिया कि मेरे पास निकन नहीं है, मेरे पास लुमेंस का कैमरा नहीं है, सोनी नहीं है, तो मुझे पता नहीं बाकी कैमरा में है क्या। तो कैनन, इफ़ कैनन इज़ द कंपनी टू डू इट, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। उनका पीरियड चलने के टाइम पे इट इज़ बहुत नेसेसरी टू वर्क डिजिटली। अब वर्क डिजिटली बोला तो लोगों को लाइव स्ट्रीमिंग चलता है, गेमर्स लाइव स्ट्रीम करते हैं, अभी उन लोगों को भी बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि एक कंप्यूटर पे चलाओ फिर एक मोबाइल पे देखो, क्वालिटी नहीं आता था, फिर जो व्यूअर रहता था व्यूअर को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था कि यार मोबाइल से देख रहा है यार क्लियरिटी नहीं आ रहा है। तो अभी बहुत सारे स्टार्टअप यूट्यूबर्स रहता है जिसके पास गैजेट्स नहीं होता है, बहुत कम लोग होता है जिसके पास कैप्चर कार्ड भी ले लिया, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, वेल्दी है तो वो ले लेता है। वो स्टेज पे आने के बाद में ऐसा हो गया कि अभी जूम है, भले वो एक चाइनीज़ ऐप है लेकिन आज के दिन में बहुत लोगों का काम हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट मीटिंग है, इसके अलावा ब्ला 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 बहुत सारे यूटिलिटीज़ है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये सब के ऊपर लाइव स्ट्रीम करने के लिए ये पॉसिबल होगा, ये यूटिलिटीज़ है। अब ये यूटिलिटी क्या है, ये कैनन का यूटिलिटी है, कैनन
वेबकैम यूटिलिटी बेटा वर्जन लॉन्च किया। बेटा वर्जन क्या होता है अभी आप लोगों को मैं बेटा वर्जन क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये वो लोगों के लिए जो स्टार्टर्स है, जो ज़्यादा नॉलेज अभी गेन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए। बेटा वर्जन मतलब ट्रायल सॉफ्टवेयर होता है जो फिनिश्ड नहीं है। बेटा वर्जन ट्रायल सॉफ्टवेयर होता है जो फिनिश नहीं है, आउट टू द मार्केट, ओपन मार्केट में वेबसाइट पे आया हुआ नहीं रहता है कि ये पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट है, इसमें कोई बग्स नहीं है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग जैसे सर्च करते हैं, बेटा वर्जन डाउनलोड करते हैं, तो वी अप्रूव कि हम लोग वो कमियों के साथ चलने को तैयार है, तब वो हम लोग यूज़ करते हैं। अब वो यूटिलिटी मैंने इंस्टॉल किया, वो इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। अब कहानी में ट्विस्ट है, ये सब कैमरा के लिए नहीं है। आज के दिन मार्केट में लीडिंग जो भी ब्रांड्स है कैनन का, वो मेजॉरिटी कैमराज है, लेकिन कैनन का 1300D, 1100D, 1200D, 700D, 600, जो भी 4-5 साल पुराने कैमराज है उसके लिए ये अपडेट नहीं है। अब ये किसके ऊपर चलेगा? EOS सीरीज में 1DX Mark 3 पे चलता है, Mark 2 पे चलता है, EOS 5D, 5DS R पे चलता है, 5DS पे चलता है, उसके अलावा 5D M4 पे चलता है, EOS R पे चलता है, 6D M4 पे M2 पे चलता है, सॉरी 6D M2 पे चलता है, Canon EOS RP जो मेरे पास है वो कैमरा पे चलता है, फुल फ्रेम कैमरास, 7D M2 पे है, 90D पे है, 80D पे है, 77D पे है, इसके अलावा कुछ और मॉडल्स हैं, इसके सब के अलावा M50 और M200 ये मॉडल पे इंटरचेंजेबल लेंसेस वाले कैमरा में अवेलेबल है। इसके अलावा पॉइंट एंड शूट कैमराज में G5X Mark 2 में अवेलेबल है, G7X Mark 2 में अवेलेबल है, इसके अलावा SX70HS करके कैमरा है इसमें अवेलेबल है। इससे ज़्यादा कैमराज में ये फंक्शन नहीं हो रहा है ड्यू टू ये बेटा वर्जन है। अब ट्रायल्स होगा, टेस्टिंग होगा, लोग उसको चलाएंगे, अच्छा लगेगा तब होगा। अच्छा, ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिकली डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मैकबुक पे चलता है, सब पे चलता है। डेस्कटॉप या मैकबुक या लैपटॉप्स पे आप यूज़ कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीम करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होता है, एक कैमरा, दूसरा माइक्रोफोन। तो ही अच्छा माइक और अच्छा वीडियो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइव स्ट्रीम के लिए। लाइव स्ट्रीम करने के लिए क्या क्या लगने वाला है ये अभी आपको मैं बताता हूँ। अब मैंने मेरा सेटअप यहाँ पे रेडी करके रखा है, मैंने मेरा EOS RP यहाँ पे रेडी रखा है, मैंने उसको EOS RP और बहुत सारा आजकल जो नए कैमराज है, मेरा M50 पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ। लकीली मेरे दोनों कैमरा पे ये लाइव स्ट्रीम पॉसिबल है, लेकिन मेरे 700D पे पॉसिबल नहीं है, वो तो अभी मैं वैसे ब्लॉगिंग में यूज़ ही नहीं करता। तो बेसिकली ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? M50 में तो नॉर्मल माइक्रो USB केबल है, EOS RP, EOS R ये सब में टाइप सी केबल है। तो अभी टाइप सी केबल आपको लगेगा, कैमरा लगेगा, बाकी फिर आपकी इच्छा ट्राइपॉड पे रखना है, टेबल पे रखना है, कहाँ पे सेट करना है और डेस्कटॉप पे कुछ। अब मैं स्क्रीन शेयर करूँगा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसा करना है, इसको रन कैसा करना है, उसके बाद रीस्टार्ट करना है, ये पूरा मैं प्रोसेस बता दूंगा। ये होने के बाद मैं लाइव स्ट्रीम करके दिखाऊंगा, यूट्यूब पे करूंगा, जूम पे मैं नहीं करता क्योंकि मेरे को अभी एक्चुअली जूम का रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को ये चीज़ फेसबुक, यूट्यूब, जूम, जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, जो भी लाइव स्ट्रीम में यूज़ हो रहा है आज के दिन में, उनके लिए सबके लिए। आप लोग ऑफिस मीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो बंदा प्रेजेंटेशन दे रहा है वो यूज़ कर सकता है ताकि क्वालिटी आउटपुट दे। अभी जूम में आप लोग सबने देखा रहेगा, आप इवन जो भी सॉफ्टवेयर में देखेंगे आपको दिखाई देता है एक आदमी मोबाइल लेकर बैठा रहता है, क्लैरिटी नहीं रहता है, वो एकदम उसका मुँह हंस रहा है, रो रहा है, समझ में नहीं आता क्यों, पूरा पिक्सलेट हो जाता है, नेट वीक है, ये है। तो ये सब प्रॉब्लम का छुटकारा आ गया। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी वीडियो में बताया कि अभी मैं स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। सबसे पहला आपको ये सॉफ्टवेयर
ये लिंक है जो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये डिस्क्रिप्शन से आप लोग ये ओपन कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी वेबसाइट जैसा लग रहा है, अभी पता नहीं है, कैनन का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वेरीफाई किया है मैंने, और इसमें कैनन ऑफिशियल वेबसाइट से वीडियो भी आ चुका है जो 28 को उन्होंने अपलोड किया है, यानी कि कल 28th of April 2020 को उन्होंने अपलोड किया हुआ है ये वीडियो, आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो। ये देखिए 28th April 2020 को इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ, अपलोड किया हुआ है, उसका मतलब ये ऑफिशियली कैनन के वेबसाइट पे आया हुआ है, ये इंडियन वेबसाइट पे नहीं है, सॉरी वो एक अपडेट है बट अपना चल रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने बोला, ये वेबसाइट ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन नीचे मेंशन किया हुआ है, ये EOS YX PowerShot ये तीनों पे चलता है, EOS में 1DX M2 1DX M3 है, फिर इसके बाद 5D 5D M4 R RP ये सब यहाँ पे ब्ला 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 90D 80D जैसा मैंने पहले आपको बताया ये सब में चलता है, M50 200 PowerShot इस पे सब पे चलता है। तो इसको अभी इंस्टॉल कैसा करना है ये देखते हैं हम, अभी हमें यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाते हैं तो एक PDF फाइल ओपन होगा 10 पेज का, यहाँ पे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा कि मैंने बोला कैमरा कॉम्पेटेबल होना चाहिए, लिस्ट में आपको चेक करना है, इसके अलावा USB केबल चाहिए, जो अभी जो कैमरा में टाइप सी है जो इसमें माइक्रो USB है उसके हिसाब से आपको लेना है, और इसके अलावा बाकी आपको जिस पे लाइव जाना है वो एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना है। इसके अलावा यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है विंडोज़ 10 होना चाहिए 64 बिट, इंटेल पेंटीएम 1.6 गिग्स से ऊपर होना चाहिए फास्टर प्रोसेसर, 2GB रैम से ज़्यादा होना चाहिए, एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1024x768 पिक्सल से ज़्यादा रहना चाहिए, जो बेसिकली सबका होता ही है, ये सब तो आजकल 2GB रैम तो यार सब लोग 2GB रैम के ऊपर ही है सबका मशीन। उसके बाद आप जाते हो तो यहाँ पे आपको यूटिलिटी डाउनलोड करने का वेबसाइट आता है, और उसके अलावा स्टेप्स यहाँ पे दिया हुआ है इंस्टॉल करने का, वर्क फ्रॉम होम प्रोडक्ट जो भी है वो, उसके बाद उसको कैसा इंस्टॉल करना है ये अभी मैं आपको रन करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिखा है ये यूटिलिटी डाउनलोड होने के बाद में उसको अनजिप करना है, अनजिप करके आपको इंस्टॉल करने को चालू करेगा, तो इस प्रकार का आपको सेटअप है। नेक्स्ट नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन जैसे ही है वो कंप्लीट करना है, आपको ऑथेंटिकेट करना है ये इंस्टॉल करने के लिए, ये सब होने के बाद में आपको मशीन को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद कैमरा को मूवी मोड पे डालना है, मूवी मोड पे डाल के यूएसबी केबल आपको जो भी क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी सेट करना है, और केबल को जो भी आपको रेजोल्यूशन चाहिए, क्या क्लैरिटी चाहिए, ब्राइटनेस कितना चाहिए, वो सब सेट करने के बाद में आपको डेटा केबल कनेक्ट करना है कैमरा से। अब कैमरा से कनेक्ट करने के बाद देखिए, अगर आपके पास पॉसिबल रहेगा तो आप USB हब यूज़ कर सकते हैं, अभी मैं USB हब से कनेक्ट किया, कोई क्वालिटी का इशू आया नहीं है, ये सब इसका बेसिक प्रोसेस है करने का, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी ये होने के बाद, अभी ये आपको समझ गया, ये यूटिलिटी इंस्टॉल हो गया, उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे पूरा उसका डिटेल दिया हुआ है। ये कोरोना, ये देखिए ये कैनन EOS USA के वेबसाइट में ऑफिशियली अवेलेबल है, उसका मतलब ये कैनन का ओरिजिनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको यूज़ करने में, थोड़ा बग्स हो सकता है लेकिन इन फ्यूचर वो सॉल्व हो जाएगा। अभी हम जाते हैं लाइव स्ट्रीम पे। अब लाइव स्ट्रीम पे जाने के लिए हमको क्या करना है, कैमरा ऑन करना है। अब आप अभी यहाँ पे पिक्चर इन पिक्चर पे आपको दिखाई देगा, स्क्रीन भी दिखाऊंगा मैं, मेरा यहाँ का सेटअप भी दिखाऊंगा, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा लाइव स्ट्रीम। इसी के साथ मैं ट्राई करूंगा मेरे मोबाइल पे लाइव स्ट्रीम कर, लाइव स्ट्रीम का आउटपुट देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए। अब हम इसको लाइव स्ट्रीम पे जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे यूट्यूब। यूट्यूब में जाने के बाद अभी मेरा तो चैनल है यूट्यूब पे, तो मेरा, मैं डेस्कटॉप से लाइव जा सकता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं लाइव गो लाइव में जाता हूँ। जब मैं गो लाइव में जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा कैमरा ऑटोमेटिकली दिखने को चालू हो जाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे इसको नाम देता हूँ ट्रायल रन। अभी आप लोग इसके बैकग्राउंड में दिख रहा रहेगा मेरा मूवमेंट, ये देखिए हाथ का मूवमेंट भी आ रहा है। ट्रायल रन ऑफ लाइव स्ट्रीम विदाउट कैप्चर कार्ड, ठीक है। अब इसको मैं ये अनलिस्टेड में कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी ये किसी को दिखाना नहीं है, तो इसका अनलिस्टेड करके इसका लिंक भेज दूंगा।
मोर ऑप्शंस में अभी इसमें तो कुछ नहीं है, यूटिलिटी, अच्छा डिफ़ॉल्ट ऑडियो, अच्छा ओके, माइक्रोफोन ले लिया है उसने, माइक्रोफोन ले लिया है, ओके अभी नेक्स्ट करते, ये वीडियो को लाइव लेके जाते हैं। लाइव जाने के बाद में अभी मेरे को शेयर करने का ऑप्शन, सो अभी मैंने ये लिंक को मेरे मोबाइल पे शेयर कर लिया है, अभी लिंक मैंने ओपन रखा हुआ है मेरे मोबाइल में। हम लोग लाइव जाते हैं, अब जब लाइव जाएंगे हमको देखना है, अभी मैं मेरा स्क्रीन जो रिकॉर्ड हो रहा है मोबाइल का, वो भी मैं इसके बीच में शेयर करूंगा, तभी आप लोगों को प्रूफ हो जाएगा कि लाइव स्ट्रीम में क्वालिटी आ रहा है नहीं आ रहा है, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ पे तो अभी 480 का रेजोल्यूशन रिस्ट्रिक्शन है, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है। तो चालू करते हैं, लाइव पे जाते हैं। ये देखिए अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है व्यूअर वेटिंग 1, अभी ये मेरा है, ये अनलिस्टेड है, तो अभी जो जिसको लिंक शेयर करेगा उसको ही दिखाई देगा। मेरा तो अभी तक कोई लाइव सेशन किया नहीं है, और एक्चुअली छोटा चैनल होने की वजह से कोई लाइव करने की ज़रूरत नहीं फील हुआ है, तो करेंगे अभी हाल ही में, अभी वो भी करना है। तो हम चालू करते हैं लाइव स्ट्रीम, अब यहाँ पे शेयर करते हैं, सॉरी इसको मैं गो लाइव करता हूँ। अब जैसा गोइंग लाइव किया तो आप देख सकते हैं कि अभी तक तो मेरा ये चल रहा ही है, गोइंग लाइव ही चल रहा है। ठीक है, अभी ये स्ट्रीम चालू हो चुका है, यहाँ पे 7 सेकेंड हो गया है, लेकिन फ़ोन में आया नहीं अभी तक। तो चलो और एक बार क्लोज करके चालू करके देखते हैं, ये देखो मेरा मोबाइल का एक रफली, रफली 5 से 10 सेकेंड का, रफली एक 5 से 10 सेकेंड का डिले आता है लाइव टेलीकास्ट पे, तो ठीक है। लेकिन अभी देखो, अभी आप यहाँ पे देखो कि मेरा जो फेस का जो क्वालिटी है आ रहा है, सॉरी अभी आप लोग देखो मेरा फेस पे जो क्वालिटी आ रहा है, ये कौन सा वेबकैम में अपने को मिलने वाला है? कोई भी वेबकैम ले लो, आपको ये क्वालिटी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? उसका रीज़न ये है कि वेबकैम में जो आता है उसका रिस्ट्रिक्शन होता है, एंड इतना क्लैरिटी 4K क्वालिटी, अभी मेरा तो ये फुल फ्रेम कैमरा लगा हुआ है, मैं फुल फ्रेम लगाया है, तो वो क्वालिटी तो मेरे को डेफिनेटली वेबकैम पे नहीं मिलेगा। और मैं थोड़ा सा गैजेट फ्रीक हूँ एक्चुअली, तो आपको अभी ये वीडियो के अंदर दिखाई देगा, ये मेरा माइक्रोफोन है, माउनो का पॉडकास्ट माइक्रोफोन यूज़ करता हूँ मैं कभी कभी वॉइस ओवर के लिए और बहुत सारे काम के लिए मेरे को लगता है, तो मैं माइक्रोफोन्स बहुत सारा है मेरे पास, तो ये मैंने अभी सेट किया है ताकि मेरे को वो क्वालिटी मिल पाए। अब रफली ये वीडियो करीब करीब 1 मिनट 38 सेकेंड्स का लाइव स्ट्रीम हो चुका है, और उसके हिसाब से 10-15 सेकेंड का डिले आ रहा है, कोई लैग नहीं है, कोई क्वालिटी इशू नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट चेक करो, ये जो ये एक साइड में अभी आपको कोई ना लेफ्ट या राइट साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखाई देगा मोबाइल का, उसके अलावा मेरा ये, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी का क्या फ़र्क है। एंड बस इतना ही है ये वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीम एंड करते हैं, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको कैमरा पे। होप करता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आए। मैं करीब 10:57 को ये वीडियो शूट करने चालू किया था, 40 मिनट्स हो गया है, तो अभी ये पता नहीं है फुटेज कितना लंबा होगा, अभी थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट करके मैं जितना शॉर्ट कर सकता हूँ वीडियो करके आपको ये दूंगा। इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी होगा ताकि आप लोगों को प्रूफ मिले। मोबाइल में मैंने अभी फेसबुक यूट्यूब लाइव कर दिया है, सेम वे फेसबुक लाइव में भी पॉसिबल है, मैं भी ट्राई करूंगा, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लेंदी होने से लोग ज़्यादा बोर हो जाओगे, मेरे को बोर नहीं करना है किसको। बस ये वीडियो का कॉन्टेक्स्ट इतना ही था कि आप लोगों को लाइव स्ट्रीम करने के लिए DSLR यूज़ कर सकते हैं, हाई एंड कैमराज के लिए अभी अवेलेबल है। हाल ही में अभी मेरा 70D यहाँ पे पड़ा नहीं है, मेरे दोस्त के पास है करके मैं उसको चेक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर वो चेक कर पाए, अगर मुझे कोई अपडेट मिलता है तो मैं कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूंगा कि सर बाकी कैमरास को ये पॉसिबल है क्या। ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो, ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न ये है कि मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, छोटा सा चैनल है लेकिन मेरे को अच्छे अच्छे बहुत सारे यूट्यूब की वजह से, बहुत सारे इवेंट्स की वजह से मेरे को बहुत सारे दोस्त लोग मिले,
तो ये लोग एक दो लोग ऐसी बात बात में बोलने लगा, यार भाई कुछ लाइव जाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं है। फिर एक दोस्त ने मेरे को फ़ोन करके बोला, यार ये इवेंट करना चर्च का लाइव करना है, क्वालिटी के लिए क्या करने का, क्वालिटी नहीं आ रहा है। फिर वो सब सॉल्यूशन आने के बाद मैं जब भी स्टडी करता था, बहुत सारे एक्सपेंसिव गियर्स का बात आ रहा है। अभी अगर एक कैप्चर कार्ड लेने को भी जाओ तो 4,000 रुपीज़ के नीचे कैप्चर कार्ड नहीं आता है। अच्छा कैमलिन का कैप्चर कार्ड आता है रफली 5,000 रुपीज़ का, ब्लैक मैजिक करके है उसका कैप्चर कार्ड है वो भी अराउंड 6,000-7,000 के रेंज में आता है। तो इतना एक्सपेंसिव एक कैप्चर कार्ड लेने के बाद में मैं लेके आऊँ, और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ज़्यादा कैप्चर कार्ड ये सब ज़्यादा नहीं यूज़ होने वाला है, लेकिन आने वाले दिनों में जिसके पास है वो यूज़ कर सकता है। लेकिन बेसिकली आज का करंट सिनेरियो में कैनन ने जो सॉफ्टवेयर अपडेट लाके ये जो काम किया, ये बहुत धन्यवाद देने लायक चीज़ है। एंड कीप अप द गुड वर्क कैनन। ऐसे ही टाइम पे आप लोग हेल्प करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे यूट्यूबर्स को काम आएगा, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल वालों को काम आएगा, ये सबके लिए काम आएगा। धन्यवाद। अब ये वीडियो यहाँ पे एंड कर दे। ये वीडियो अगर आपको सच में पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। ऐसे ही एंटरटेनिंग वीडियोस मेरे ये चैनल पे, मैं बेसिकली मोटो व्लॉग करता हूँ, मोटो व्लॉग के अलावा अनबॉक्सिंग्स भी करता हूँ, लेकिन बहुत सारा अनबॉक्सिंग्स वीडियो बना रखा है लेकिन मैंने उसको लाइव नहीं किया, वो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि मेरे को रिकॉर्डिंग करने के टाइम में मेरे को इच्छा होता है कि मैं अनबॉक्स करूँ, अनबॉक्सिंग का वीडियो रिकॉर्ड करता, सब कुछ करता, लेकिन अपलोड नहीं किया है। आने वाले दिनों में शायद वो भी कर दूँ, मेरे पास बहुत सारे चीज़ों का अनबॉक्सिंग पड़ा हुआ है, वो सारे करूँगा मैं। बस इतना सा ही है ये वीडियो। लाइक करने नहीं भूलना, शेयर करने नहीं भूलना, सब्सक्राइब करने नहीं भूलना, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मेरे को बता।